आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल एमपीसीजी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। गांव से लेके शहर तक की सभी खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज की खबरों में शुरुआत करते हैं इस खबर से। बक्सवाहा में अपनी मांगों को लेकर महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं एबीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। तहसीलदार को दिया ज्ञापन। बक्सवाहा में महाविद्यालय के छात्र छात्राएं एवं एबीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और महाविद्यालय से बक्सवाहा तहसील तक प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते हुए तहसील पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। छात्र छात्राओं ने बताया कि उनको आने जाने में खासी समस्या होती है। बस चालक परिचालक उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और बसों में नहीं बिठाते हैं, जिस कारण उन्हें पैदल जाना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि रास्ते में जो शराब दुकान मिलती है वहाँ जो शराबी मिलते हैं वो भी गंदे गंदे कमेंट करते हैं, जिस कारण उन्होंने सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि जो तेज़ रफ्तार वाहन हैं उनकी जो रफ्तार है वो तय की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ रास्ते में ब्रेकर बनवाए जाएं ताकि जो दुर्घटना का शिकार छात्र छात्राएं होते हैं, आम आदमी होते हैं, उनसे लोगों को बचाया जा सके। भाई बक्सवाहा द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है, जिसमें 2-3 सूत्रीय मांगों के लिए तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ से बस स्टैंड से जो छात्र छात्राएं कॉलेज के लिए जाते आती हैं तो उनके लिए बसों के कंडक्टरों द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है बच्चियों के साथ। और वहाँ से जब बच्ची आती हैं कॉलेज से तो वहाँ से जो बच्ची अगर बस वालों को रोकती भी हैं तो उसके बाद भी बस वाले नहीं रोकते और तीव्र गति से बस निकालते हैं। तो हम लोगों ने इस संबंध में, इन बच्चियों के संबंध में भी एक ज्ञापन दिया है। और दुर्घटना हुई है अभी कुछ विकट दिनों पहले, जो हमारा ये महाविद्यालय का छात्र था तो वो आज ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, इस वजह से क्योंकि जो यहाँ पे ब्रेकर हैं गति अवरोधक वो या तो बने हैं तो वो कुछ या तो ख़त्म हो चुके हैं कहीं कहीं के, या जो नहीं बने हैं वहाँ पे हम लोग मांग कर रहे हैं इस ज्ञापन में। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हम लोग वहाँ से गुजरते हैं तो वहाँ के जो व्यक्ति होते हैं जो शराब पीते हैं हम लोगों से अवैध व्यवहार करते हैं, अवैध टिप्पणियाँ करते हैं, इसलिए हम लोग को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। हम लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग डेली जाएं, मतलब डेली पैसे हम लोगों के पास, मतलब हम लोगों की आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि हम लोग डेली पैसे देकर जाए, पैसे लेकर आए, किराया लगाएं, या फिर वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए या फिर उसको वहाँ से हटाया जाए। हम लोगों, हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट यही है वहाँ से। बस की मांग है कि कॉलेज के पास स्पीड ब्रेकर और यहाँ बस स्टैंड के पास तो जो अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ तो स्पीड ब्रेकर पहले से ही बना हुआ है, और कॉलेज के पास देख लिया जाएगा, वहाँ बनवा दिया जाएगा। और दूसरा बसों के बारे में दिया कि कंडक्टर लोग कुछ अपना दुर्व्यवहार करते हैं तो उसके बारे में पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया जाएगा।